हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ इन इटली विद दुरुज। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, स्मोक स्टाइल बीफ बर्गर। ये दिखने में ही इतने टेम्पटिंग है, तो खाने में सोचें कि क्या होंगे। इसके लिए मैंने लिया है थिन स्लाइस्ड बीफ कट, ये अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स है। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैं जाएगा 1 टीस्पून चॉप जिंजर गार्लिक, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टेबलस्पून। इन मिक्स्ड हर्ब्स में है ड्राइड ऑरिगानो, ड्राइड रोजमेरी, पार्सली, बेजल लीव्स। तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी के हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मिक्स हर्ब्स यूज़ करें, उससे आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये वैसे तो इटालियन रेसिपी है, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई किया है, तो थोड़े से हम स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया 1/4 टीस्पून। अब इसमें जाएगा लेमन जूस 2 टेबलस्पून, वर्स्टशायर सॉस 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से बीफ स्लाइस के साथ रब करें ताकि सारे स्पाइसेस कंबाइन हो जाएं और बीफ को मज़ेदार किस्म का बना दें। इसकी मैरिनेशन में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ होते, लेकिन फिर भी टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसको 3-4 आवर्स के लिए मैरिनेट कर लें। बीफ मैरिनेट हो गया है, तो अब इसको कुक कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2-4 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। फ्लेम को मीडियम लो रखें और बीफ स्लाइस को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। जो बीफ मैरिनेशन के स्पाइसेस बचे हुए हैं वो इसके ऊपर लगा दें और इसको 5 मिनट्स के लिए कुक होने दें। वैसे मैं भी बीफ लवर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने ये बीफ बर्गर्स खाए थे तो मुझे बहुत मज़े के लगे थे, और ईद आने वाली है तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। 5 मिनट्स के बाद हम इसके साइड चेंज कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बीफ स्टॉक, जो कि बीफ की यखनी होती है। अब हम इसको लिड से कवर कर देते हैं, और अगर आपके लिड में कोई भी होल है तो उसको भी बंद कर दें। को 15 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं। बीफ स्टॉक गोश्त का टेस्ट तो इन्हेंस करेगा ही, लेकिन ये गोश्त को इतना टेंडर और जूसी कर देगा कि आप जैसे ही बाइट करेंगे आपको चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुंह में ही मेल्ट हो जाएगा। हर किसी को अपने गोश्त के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कितना टाइम लगाता है कुक होने में। 15 मिनट्स बाद मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि गोश्त हमारा परफेक्टली टेंडर हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है थोड़ा सा। ये देखें गोश्त कितना नरम और मुलायम हो गया है कि इसका रेशा रेशा आराम से अलग हो रहा है। तो इसको मैंने मोटा मोटा थोड़ा सा श्रेड कर लिया है। अब इसको बनाते हैं मज़ेदार सा स्मोकी। तो उसके लिए एक गरम कोयला ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बाउल के अंदर, और इस पर डाल देंगे हम 2-4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, या आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लिड से कवर करके रख देते हैं ताकि सारा स्मोकी टेस्ट बीफ के अंदर तक चला जाए। अभी यहाँ पे कोयला बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं और जो पानी रह गया था वो ड्राई कर लेते हैं। मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए मज़ीद कुक किया है, क्योंकि मुझे जूसी ही चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसके शाइन से ही लग रहा है कि ये बहुत ही जूसी बना है। बीफ रेडी हो गया है, तो अब बर्गर बंस को ज़रा सा क्रिस्पी और फ्रेश कर लेते हैं। पैन पे मैंने ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है ताकि इसमें बर्गर बंस को स्लाइट सा गोल्डन टच दे दे। अब आ गया है असेंबलिंग का पार्ट। सबसे पहले बर्गर बंस के ऊपर लगाएंगे बर्गर सॉस। ये बहुत मज़े की होममेड बर्गर सॉस है, तो इसकी रेसिपी भी ज़रूर अपलोड होगी। अब लगा देते हैं कुछ सैलड लीव्स, और अब इसके ऊपर जाएगा बहुत ही जूसी सा बीफ। लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे कुछ मिक्स पिकल। आप चाहें तो सिर्फ क्यूकम्बर पिकल्स भी डाल सकते हैं। ईद आने वाली है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए, मज़ेदार किस्म के सुपर जूसी बीफ बर्गर रेडी है। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।